दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पिछले साल जुलाई से लगातार महिलाओं की हत्या हो रही थी, और उन महिलाओं की जो हत्या हो रही थी उनका सेम पैटर्न था, जैसे उस महिलाओं की उम्र 50 से 60 साल के बीच में रहती थी। उन्हें उनके साड़ी या उनके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की जाती थी। उनके साथ कभी कभी संबंध बनाया जाता था, या और गन्ने के खेत में या गन्ने के खेत के आसपास उनकी हत्या करता था, और हत्या करने के बाद उन महिलाओं का कुछ ना कुछ खोया रहता था, जैसे पर्स हुआ, आधार कार्ड हुआ, या पैसे हुआ, कोई नेकलेस हुआ। पुलिस लगातार हो रही हत्या को नज़रअंदाज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है, और उस पैटर्न को देख के लगता था कि शायद कोई सीरियल किलर है जो महिलाओं की हत्या कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने अपनी फोर्स बढ़ा दी तो हत्याएं रुक गई, लेकिन इस साल जुलाई में, 2 जुलाई 2024 को एक फिर हत्या होती है एक महिला की, और सेम पैटर्न था। पुलिस तत्काल अपनी नींद से जागती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। टीमें गठित की जाती है, स्क्रैच जारी किए जाते हैं, और स्क्रैच जारी करने के एक दिन बाद ही पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो मानसिक बीमार था या मानसिक मंदबुद्धि जैसा लगता था। जब व्यक्ति पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया। बोला तो व्यक्ति बताया कि मैं वही सीरियल किलर हूँ जो महिलाओं की हत्या करता था। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते थे, तो सीरियल किलर ने एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस सीरियल किलर की जिसने बरेली जिले के 90 गांव में दहशत फैला दी थी, और विशेषकर बरेली जिले के 3 थाना जैसे साई, शीशगंज और फतेहगंज, और उन तीनों थाने में लगातार महिलाओं की हत्या हो रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है। महिलाओं की उम्र भी सेम थी, 50 और 60 के बीच में। सेम पैटर्न था, उनका गला दबाकर हत्या की जाती थी, या उनके साड़ी से या उनके दुपट्टे से। और इस पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि आखिर पुलिस के पास कोई क्रू नहीं था कि ना कोई हथियार था कि पुलिस उस आरोपी के पास पहुँचे। पिछले वर्ष जुलाई में एक नदी किनारे 3 लाश मिली। उसके बाद 5 जून को शाही गांव में कलावती की हत्या हुई। 19 जून को एक रोड के किनारे धनवती देवी की हत्या हुई। 30 जून के आनंदपुर में प्रेमवती की हत्या हुई। 22 जून को खजूरिया में कुसुम का शव मिला। 23 अगस्त को जोलापुर में एक वीरवती नाम की महिला का हत्या हुआ, जिसका शव अधनग्न अवस्था में मिला। 31 अक्टूबर को लखीमपुर में 60 साल की एक महिला की हत्या का शव मिला। 20 नवंबर को खारसैनी गांव में एक 60 साल की दुलारी देवी की हत्या हुई, और 26 नवंबर को जगदीशपुर में एक 55 साल की उर्मिला देवी की हत्या हुई। इस सभी 9 महिलाओं की हत्या सेम पैटर्न में हुई थी, जैसे गन्ने के खेत के आसपास उनका गला दबाकर हत्या हुआ, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश हुई। पुलिस इस मामले में ढिलाई करती और सोचती है कि कोई सीरियल किलर है, और अपनी जो उसकी धीरे गति से काम करने वाली विधि है उसको प्रयोग करती है, और तमाम थानों में अलर्ट किया जाता है और टीमें गठित होती है। आखिरकार हत्या रुक जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस फिर नॉर्मल होती है, तब तक समय गुजर चुका था और आ गया था 2024। 2024 में 2 जुलाई को एक महिला का शव मिला, वो भी खेत के पास। पुलिस फिर सख्ती में आ जाती है क्योंकि सेम पैटर्न था 2023 में जो महिलाओं की हत्या होती थी, सेम 2024 में हुई महिला की हत्या भी सेम पैटर्न में हुई थी। पुलिस समझ जाती है कि सीरियल किलर फिर वापस लौट आया अपनी
जुल्म की दुनिया में, तो जो बरेली ज़िले के SSP हैं अनुराग आर्या ने 22 टीमें गठित की, थाने पे रिपोर्ट भेजी गई, अखबारों में स्क्रैच दिए गए और स्क्रैच सेम ऐसा ही है जैसा उस व्यक्ति के है। आप इस स्क्रैच को देखिए, ऐसा लगता है कि सेम वही व्यक्ति है जो स्क्रैच में है। आखिरकार एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है जो मदबुद्धि था और शायद नशे का आदि भी था। पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो डर जाता है और कहता कि हाँ मैंने ही हत्या की थी। बोला कैसे किया था, तो पुलिस वाले की डर की वजह से वो अपना मुंह बंद कर लेता है। आखिरकार पुलिस सादी ड्रेस में आती है और उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। उसे एक पुतला दिया जाता है जो महिलाओं की तरह दिखता था, तो उस व्यक्ति के जो अंदर का शैतान था वो जाहिर हुआ और उस व्यक्ति ने उस पुतले के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और उसके बाद उसके वहीं उसके दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। पुलिस सब एक तमाशा देख रही थी कि जैसे वो कोई आनर किलिंग का मामला हो, वो कोई बीमारी उसके अंदर है। आखिरकार उस व्यक्ति से पूछा जाता है, तो पुलिस जब सादी ड्रेस में थी तो उस आरोपी ने मुस्कुराते हुए सब बता दिया। उसे लगा उसे हत्या उस पुतले की हत्या करने के बाद उसे इतना सुकून मिला कि वो पुलिस वाले को लेकर जो सादे ड्रेस में पुलिस थी उन तमाम जगहों पर गया जहाँ पर उसने लोगों की हत्या की थी, महिलाओं की, और जो उनके पास से चुराया हुआ पैसा या आधार कार्ड या पर्स था वो भी उनको दे दिया। और उस जब पुलिस ये सब देखती है तो समझ जाती है कि ये वही आनर सीरियल किलर है जो बरेली में 1 साल से आतंक मचाया था। आखिरकार उसके भाई को फोन किया जाता है, क्योंकि उसके भाई और उसके 2 बहनें हैं। भाई आता है, बताता है ये मदबुद्धि ये कैसे ये सब कर सकता है, क्योंकि वो भाई बताता है कि मेरा भाई मदबुद्धि है बचपन से ही, और मेरे पिता जब दूसरी शादी किए तो सौतेली माँ आने वजह से इस पर ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया। और उसके बाद इसके शादी भी हुई तो इसकी बीवी इसके हरकतों की वजह से छोड़कर चली गई। पुलिस समझ गई कि ये महिलाओं से नफरत करता है और वही इसके दिल में अपने माँ के खिलाफ, जो उसके सौतेली माँ थी, अपनी पत्नी की बेवफाई की वजह से ये सीरियल किलर बन गया। और उसमें किसी भी अकेली महिला को देखता तो उसके अंदर का हैवान जाग जाता, उसे संबंध बनाने की कोशिश करता, जो संबंध बना लेता वो बच जाती, जो संबंध बना नहीं बनाती उसे ये उसी साड़ी या उसके दुपट्टे से उसके गला दबाकर हत्या कर देता था। आरोपी का नाम दोस्तों कुलदीप गंगवार है, जो नवाबगंज थाना उत्तर प्रदेश जिला बांगरगंज समूह का निवासी है, जिसकी उम्र 35 साल है और पिछले 14 महीनों से लगातार महिलाओं की हत्या की कर रहा था। पिछले साल 9 और इस साल 1 हत्या किया था, कुछ मिलाकर 10 हत्या किया था। और इसके खिलाफ सबूत नहीं था, क्योंकि पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है इस जो ये सब कर रहा है। पुलिस ने और आगे जांच में बताया कि फिलहाल पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, उसे मनोवैज्ञानिक देख चेक करें, नशे का आदि है और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी एक मनोबीमारी है, और उसे कुछ बात याद रहती है कुछ उसे भूल जाती है, लेकिन जो हत्या किया था उस पुलिस को सच बताया। तो दोस्तों आखिर पुलिस उन तमाम छोटे अखबारों और मीडिया का भी धन्यवाद किया जिसका स्क्रैच वायरल करने में मदद मिली, और स्क्रैच वायरल करने में 6 अगस्त 2024 को 5 अगस्त 2024 को स्क्रैच वायरल किया गया और एक दिन बाद ही 6 अगस्त 2024 को आरोपी गिरफ्तार किया गया। SSP अनुराग आर्य को बधाई, उन्होंने 22 टीमें लगाई थी, कैमरे और तमाम थानों और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और उस आरोपी सीरियल किलर को पकड़ा गया। आखिर दोस्तों ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एकदम नई नई कहानी है, लोग काफ़ी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो आपको मालूम चल गई होगी कि किलर क्यों हत्या करता था और किन किन लोगों की हत्या किया था। तो मिलते हैं एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और सतर्क रहिए।